पशु का दिमाग होता है ना, कि इधर उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो जितने भी लोग सबसे ज्यादा महान बने हैं, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? आज इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब यही चाहते होंगे कि जीवन में वो सफल हों, डॉक्टर बने, क्योंकि ये बैच में डॉक्टर बनने की पढ़ाई हो रही है। पर ऐसा क्या है कि आप दिन भर वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो, जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा है। अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है, और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है। मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं, पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर है। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो? पुराने समय में क्या होता था कि जो राक्षस होता था, जो दुश्मन होता था, जो शैतान होता था, वो सामने दिखाई पड़ता था। पर ये कलयुग आ गया है। कलयुग के अंदर आप देखो जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ती, उन्होंने हमारे मन के ऊपर काबू कर लिया है। अगर आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, अगर आपको पता है आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अगर आपको पता है कि रात रात में फोन पे किसी से बात करूंगा या व्हाट्सएप पे चैट करूंगा तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, अगर आपको ये सब पता है और इसके बाद भी आप मजबूर हो, आपके पास अपने जीवन का कंट्रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई तो शैतान है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई साइंस नहीं लगेगी इतनी बात पता लगाने में, कोई साइंस नहीं लगेगी। आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है? आप जीवन में सफल होना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है? आप अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है? आप एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है? आप देश में हर किसी की सेवा करना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है? आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हो, इसका जवाब हाँ है या ना है? इन सभी का जवाब हाँ है, पर आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि परेशानी सच में बड़ी है। परेशानी सच में बड़ी है। एक अदृश्य दानव है, एक अदृश्य शैतान है जिसने हमारे मस्तिष्क पे पूरा कब्जा कर लिया है। वो अदृश्य है, ये कलयुग है। वो जो दानव है, वो जो शैतान है, वो सामने दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये शैतान इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। आप पुराने समय में देखो जितने भी राक्षस बनते थे वो भगवान से ही आशीर्वाद लेके बनते थे। बड़े बड़े उनको आशीर्वाद मिल जाते थे, फिर बड़े बड़े राक्षस बन जाते थे। जितने भी बड़े आप राक्षस देखो उन सभी को किसी न किसी भगवान ने ही आशीर्वाद दिया होता है। आज के समय में जो कलयुग के राक्षस हैं उसको इंसान ने बनाया है। ऐसे राक्षस हैं जो आपका समय आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपकी जिंदगी आपसे लेना चाहते हैं, ऐसे राक्षस हैं जो आपका लक्ष्य, आपका सपना, आपकी सोच, आपका परिवार, आपका भविष्य सब आपसे छीनना चाहता है। वो राक्षस आपके मोबाइल फोन के अंदर है। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हो, मोबाइल आपका इस्तेमाल करता है। आज इस सेशन के बाद में हाथ जोड़ना भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री राम के सामने, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी धर्म के हो आप। हम भारतीय हैं, हर धर्म की इज्जत करना हमारे संविधान में लिखा है। आप जिस भी धर्म के हो बेटा, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उनके सामने हाथ जोड़ना, सच्चे दिल से माफी मांगना अपनी गलतियों के लिए, एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प लेना, और ये क्रिया हर शाम करना शुरू कर दो। अभी हुआ क्या ना कि कलयुग के अंदर क्या हुआ कि पढ़ाई पढ़ाई के नाम पे भगवान पे विश्वास ना करने को पढ़ाई समझने लगे लोग, कूल समझने लगे, अपने आप को एजुकेटेड समझने लगे लोग। माँ बाप से बदतमीजी से बात करने को एजुकेटेड समझने लगे हैं लोग। गंदे शब्दों का प्रयोग करना, गंदे गंदे वीडियो देखना, भगवान पे से भरोसा उठना, इन सबको आप सोचते हो कि आप एजुकेटेड हो गए हो। आप डॉक्टर ही बनने जा रहे हो ना, हाँ? ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी एक छोटा सा मंदिर बना होता है बेटा, और डॉक्टर भी क्या बोलता है कि सब भगवान के हाथ में। जैसे ही बुरा समय आता है आप बोलते हो सब भगवान के हाथ में। हर शाम एकदम दिल से अपने एक भगवान से, जो उस भगवान को आप मानते हो, उससे दिलो जहां से एकदम कनेक्ट हो जाओ,
और माफी मांग लो कि आपने जो गलती की है। इतनी शक्ति मिलेगी ना बेटा आपको, जो प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि चली जाएगी, क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम को शक्तियां मिली हैं। किसने दी है? दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने दी है। बड़े बड़े दिग्गज जो ऐसे प्लेटफॉर्म अब बना रहे हैं जो आपके समय के साथ साथ आपका भविष्य, आपका सपना, आपकी जिंदगी, आपका डेटा, आपकी च्वाइसेस सब आपसे छीन ले। इनसे आपको लड़ना है तो आपको वापस जाके अपने माता पिता, अपने भगवान पे भरोसा दिखाना होगा। आपको मैं क्या मोटिवेट करूंगा भाई, आपको मोटिवेट होना है आप बजरंग बली से मोटिवेट होना, वहां है असली शक्ति। या आप जिस भी धर्म के हो बेटा, मॉडर्न समय में ऐसा हो गया है कि अगर आप चार दोस्तों की महफिल में बैठे हो और आपने अगर बोल दिया कि मैं भगवान कृष्ण में विश्वास रखता हूं और भगवान ने ऐसा करने को मुझको मना किया है, तो लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। क्यों? वो लोग बुरे हैं? नहीं, क्योंकि उनके दिमाग पे कलयुग के शैतान ने कब्जा कर लिया है। वो यही तो चाहता है कि आप भगवान से दूर हो जाओ, अपनी संस्कृति से दूर हो जाओ, आप अपने कर्म से भटक जाओ। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि भाई कि सबसे बड़ा जो संन्यास है वो कर्म है, सबसे बड़ा जो संन्यास है वो कर्म है। आप गीता में जाना, अध्याय 18 है, और अध्याय 18 का अगर आप देखोगे तो टाइटल है संन्यास, संन्यास के ऊपर है पूरा। और अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं, अगर आप सोचते हो कि पहाड़ पे चले जाना और सब कुछ त्याग देना संन्यास है, भगवान श्री कृष्ण ने ये बिल्कुल नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सर्व कर्म फलम त्यागम परुष त्यागम विकक्षणा, कि जो सारे कर्म के फलों को त्याग दे वो सबसे ज्यादा विकक्षणाज है, मतलब सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लोग। पर कर्म को त्यागने वाले बुद्धिजीवी नहीं होते। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, अपने सच्चे दोस्तों को खोजो। सच्चा दोस्त कैसे पहचान में आएगा? वही आपका सच्चा दोस्त है जो आपके पैर पकड़ के आपको नीचे ना खींच रहा हो। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके टूटे हुए पंख को आपके शरीर से वापस लगा रहा हो और आपकी उड़ने में मदद कर रहा हो। अब अगर वो दोस्त आपके लिए बहुत हंसी मजाक वाले रील्स आपको नहीं शेयर करता है, वो दोस्त अगर देखने में कूल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं बेटा, ये चीजें जीवन में मायने नहीं रखती है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहा है। आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको बोल रहा है लगातार कि आप गलत कर रहे हो, इस तरह से आप जीवन में सही दिशा में नहीं जाओगे। और हमारी आदत होती है कि जो भी व्यक्ति हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, उससे दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता हो वो आपका बहुत सच्चा मित्र हो और इसीलिए आपकी बुराई कर रहा हो और आपने उससे बात करना ही छोड़ दिया। अपनी जड़ों को वापस मजबूत करो, ये सारी दिक्कतें वहीं से हल होंगी। आप सब तो डॉक्टर बनने वाले हो ना, बताओ कोई इंसान बीमार कैसे ना पड़े? बताओ हमें बीमारियां क्यों होती है? मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब तो डॉक्टर बनोगे। हम सबको बड़ी बड़ी बीमारियां से बचना है तो हम क्या करें, क्या बोलते हैं उसको, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, है ना? हमारे जो शरीर के अंदर रक्षा होती है, जो हमारा शरीर खुद की रक्षा करता है, उस सिस्टम को हम और ज़्यादा मजबूत कर लें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। दवा खाने से तो लोग सही नहीं होते, आपको भी पता है। तभी तो बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा खाना तो मजबूरी हो गई क्योंकि बीमारी शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अब आप मुझसे आके रोज टैबलेट मांग रहे हो कि सर कुछ दवा दे दो जिससे मेरा ये सारी बुरी आदतें मेरी जीवन की छूट जाएं और मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाऊं और जीवन में सफल हो जाऊं, तो मैं आपको दवा दे दूंगा। दवा का असर क्या होता है, कितने दिन रहता है? एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना। फिर क्या है, अंदर से अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो अगली बार फिर वो बीमारी आपको पकड़ लेगी। इस टाइम तो इतनी बीमारी फैली हुई है, मानसिक रोग, डिप्रेशन, इतनी बड़ी बीमारी इस समय फैली हुई है, हर तरफ लोग डिप्रेस्ड हैं। अपने लिए आपके पास समय ही नहीं है। रात में 3 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हो, पढ़ाई में मन लगता नहीं है, आंख के नीचे गड्ढा हो गया है, अंदर से आंखें लाल हो गई हैं, घर में माता पिता बात करते हैं तो चिढ़ होती है कि क्या बात करें इनसे, पूरे समय लगता है कि पढ़ने का समय नहीं है, और जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने बैठो तो मोबाइल हाथ में लेकर चलाने का मन होता है, मोबाइल चलाओ तो पूरे समय अपने अंदर से गिल्ट होता है कि मैं क्यों मोबाइल चला रहा हूं, चलो मैं पढ़ाई कर लूं। मैं आपको टैबलेट दे दूं तो टैबलेट से आपकी जो बीमारी है वो एक दिन, दो दिन, एक महीने के लिए सही होगी। जड़ से खुद को सही करना है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, अपने सिद्धांत मजबूत करो कि अभी तो कलयुग आने वाला है और भयानक भीषण कलयुग आने वाला है। आगे जो भीषण कलयुग आने वाला है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सामने आने वाला है, वो तो आपको आपके लक्ष्य से पूरी तरह से भटका देगा। मान लो किसी इंसान को बॉडी बनानी है तो दो तरीका होता है, आपने भी सुना होगा, मैंने भी इंटरनेट पे ही सुना है बॉडी बनाने का। एक तो होता है आप अखाड़े में जाओ, वजन उठाओ, है ना, आप खेत में जाओ, हल चलाओ, ये सब तरीके होते हैं अच्छा मजबूत शरीर बनाने का। या कई लोग जिम जाते हैं, वो भी ठीक है जिसके पास जो सुविधा है। और दूसरा तरीका होता है दवाएं ले लो, स्टेरॉइड ले लो,
आपको पता है ना, दूसरे तरीके से इंसान मजबूत नहीं बनता है, पहला ही तरीका है और वो कठिन होता है। जिन लोगों के आप देखते हो शरीर इतने मजबूत होते हैं, वो एक दिन, एक रात, एक महीने में नहीं बनते, सालों की तपस्या से बनते हैं। अब आप जीवन में जो बनना चाह रहे हो उसके लिए अब आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूं कि आपका समय मुझसे ज्यादा मुश्किल है। मेरा समय आसान था, हमारे समय में इतने शैतान नहीं थे। जब मैं बच्चा था तब हमारे पर्यावरण में इतने शैतान नहीं थे, इतनी बुरी शक्तियां नहीं थी, हम फिर भी अपने लक्ष्य को साध सकते थे, इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। अब बहुत डिस्ट्रैक्शन है। यू आर अ जनरेशन दैट इज कर्स्ड विद टेक्नोलॉजी एंड द ओनली सॉल्यूशन टू फाइट विद दिस टेक्नोलॉजी इज टू गेट बैक टू योर रूट्स।